सो हाई गाइज, हाउ आर यू, कैसे आप सब लोग। सो गाइज, आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि गाइज आज की वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करने वाला हूँ एक बहुत ही ट्रेंडिंग और बहुत ही अच्छी स्किन वाइटनिंग शॉप के बारे में। सो गाइज, आज की वीडियो के अंदर मैं ये रूप सुंदर सोप है इसका रिव्यू करने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा क्या है रूप सुंदर साबुन, इसके इंग्रीडियंट क्या है, इसको कैसे यूज करना है, इसका प्रॉपर वे क्या है यूज करने का, एंड गाइज कितने टाइम में आपको इसका बहुत ही अच्छा और अमेजिंग सा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि गाइज जो सोशल मीडिया है वहाँ पे ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हो रहा है कि ये जो साबुन है रूप सुंदर जो साबुन है, ये आपकी जो स्किन है उसको 2 से 3 शेड तक लाइट कर देती है आपके इवन 10 दिन के अंदर। तो गाइज मैंने सोचा क्यों ना मैं साबुन को ट्राई करूँ, इसका रिव्यू दूँ और गाइज अपने सब्सक्राइबर के साथ में शेयर करूँ कि ये साबुन रियल ये वर्क करती है या नहीं करती है। तो गाइस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि गाइस लास्ट में आपको मैं 2 ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा इस साबुन के रिगार्डिंग। आप अगर वो टिप्स इस साबुन के साथ में फॉलो करोगे तो गाइस आप, मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि आपको इतना अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा इस साबुन का कि आप सोच भी नहीं सकते। सो गाइस ये है हमारी रूप सुंदर साबुन, ये AE नेचुरल जो कि इसकी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जिसका ये एक प्रोडक्ट है रूप सुंदर स्किन वाइटनिंग सोप। एंड गाइज ये 100% सर्टिफाइड साबुन है। एंड गाइज इसमें साइड में देखो यहाँ लिखा हुआ है ये पैराबिन फ्री है, पैराबिन एंड SLS जो कि बहुत हार्मफुल केमिकल है आपकी स्किन के लिए, तो ये सारे केमिकल्स हैं वो इसके अंदर नहीं है। दैट मीन्स गाइज ये आपकी स्किन के लिए बिल्कुल एंड बिल्कुल सेफ है। ओके गाइस, सबसे पहले मैं इसकी पैकेजिंग की बात करता हूँ। तो गाइस पैकेजिंग की देखें तो ये ऐसे कर्टन के बॉक्स के अंदर आती है, आप देख पा रहे हैं ये कर्टन का बॉक्स है। एंड गाइस इसके अंदर ये साबुन आती है, ये पहले इसकी एक प्लास्टिक के कवरिंग थी जो कि मैंने हटा दी है, बट गाइस ये इस प्लास्टिक की कवरिंग के अंदर आती है, उसके अंदर आपको ये AE नाम से लिखा हुआ इसके ऊपर, ये ऐसी आपको इसकी पैकेजिंग मिलती है। तो गाइस अगर इसकी स्मेल की बात करता हूँ तो गाइस इसकी स्मेल इतनी अच्छी है कि अगर आप इसको लगाओगे तो आपको डीओ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, जो कर रहा हूँ डीओ लगाना पड़ेगा। बट गाइस बहुत अच्छी स्मेल है, मेरे को यहाँ तक इसकी स्मेल आ रही है, इसमें बिल्कुल जैस्मीन होता है जो चमेली होती है उसकी, बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है, बहुत ही अच्छा अरोमा आ रहा है गाइस। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी अगर आप जैस्मीन के बहुत बिग फैन हैं। एंड गाइज अगर मैं इसकी कंसिस्टेंसी की बात करूँ तो गाइज ये बहुत ज़्यादा हार्ड शॉप नहीं है, जैसे कि अदर आती है बिल्कुल हार्ड होती है, पत्थर के जैसे हार्ड होती है। गाइज अगर मैं इसमें अपने नेल्स को ऐसे डिक करता हूँ तो गाइज मेरे नेल्स इसके अंदर इजीली चले जाते हैं, और गाइज अगर मैं इसको नाइफ के थ्रू काटने की कोशिश करूँगा तो गाइज इसके आसानी से मैं इसको छोटे छोटे टुकड़े कर सकता हूँ। क्योंकि गाइज आपको पता है कि जो सोप लगाने का सबसे बेस्ट वे होता है वो यही है कि आप जितना आपको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से एक छोटा छोटा पीस कट कर लीजिए, एंड गाइज उसको आप अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ कीजिए, पूरी की पूरी एक साथ यूज़ नहीं की जाती है। सो ओके गाइस, नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ इसके इंग्रेडिएंट की। तो गाइस मैं जितने भी इंग्रेडिएंट यूज़ किएंगे वो सारे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट है, दैट मीन्स में कोई हार्श केमिकल नहीं है। जैसा कि गाइस इसके सोप के ऊपर लिखा गया है कि ये पैराबीन और SLS फ्री है, दैट मीन्स ये जो पैराबीन और SLS है ये बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल है, ये आपकी स्किन को ड्राई कर देते हैं, आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट डालते हैं। तो गाइस अगर आप ये साबुन यूज़ करोगे तो गाइस इसमें आपकी स्किन के ऊपर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट आने का कोई भी टेंशन नहीं, आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइस अगर मैं इसके की इंग्रेडिएंट की बात करूँ तो इसमें यूज़ किया गया है परिजात एक्सट्रैक्ट। परिजात को अपन जैस्मिन के नाम से भी जानते हैं, तो गाइस जैस्मिन का एक्सट्रैक्ट डाला गया है, इसलिए गाइस इस सोप की बहुत ही अच्छी से स्मेल जैस्मिन की एक बहुत ही अच्छा अरोमा आता है। नेक्स्ट इसमें यूज़ किया गया कोजिक एसिड। तो गाइस आपको पता होगा कि कोजिक एसिड एक बहुत अच्छा स्किन वाइटनिंग प्रोडक्ट है, जैसे कि गाइस ग्लूटाथियन हो गया, कोजिक एसिड हो गया, आर्बुटिन हो गया, ये सारे जो प्रोडक्ट हैं ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से वाइट करते हैं और बिना किसी साइड इफेक्ट के स्किन को वाइट करते हैं। जैसे कि गाइस मार्केट के अंदर बहुत सारे क्रीम आते हैं, जैसे स्किन लाइट क्रीम आ रहा है, हाइड्रोक्विनोन के क्रीम आ रहे हैं, गाइस ये जो क्रीम होते हैं ये आपकी स्किन तो लाइट कर देते हैं, बट गाइस इनको आप पर्टिकुलर टाइम तक यूज़ करोगे तो आपकी स्किन को लाइट करेंगे, जैसे आप इनको छोड़ दोगे तो गाइस आपकी स्किन वापस पहले से भी ज़्यादा खराब हो जाती है। एंड गाइस इसमें नेक्स्ट यूज़ किए गए कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, विटामिन ई, होहोबा ऑयल एंड ग्लिसरीन, चिया बटर एंड अदर मिल्क प्रोटीन्स के कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह यूज़ किए गए। तो गाइज मैं अगर ओवरऑल बोलूँ तो गाइज इसके अंदर बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट का आपस में बहुत अच्छा मिक्सचर किया गया है, दैट मीन्स गाइज ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल, आप एक बार इसको ट्राई कीजिए। इसके इंग्रेडिएंट वाइज अगर मैं देखूँ तो गाइज मैं कहता हूँ कि इसके अंदर बेस्ट इंग्रेडिएंट है वो यूज़ किए गए हैं। तो गाइज अब मैं बात करता हूँ इसकी बेनिफिट की। तो गाइज इसमें लिखा हुआ है कि बेनिफिट, इट इंप्रूव द स्किन टेक्सचर 3 to 4 शेड एंड मेक योर स्किन ग्लो, दैट मीन्स ये गाइज ये आपकी स्किन का जो टेक्सचर उसको 3 से 4 गुना आपकी स्किन का जो टेक्सचर उसको क्या कर देगा, लाइट कर देगा। एंड गाइज आप इसकी आपकी स्किन के ऊपर ये ग्लो लेके आएगा, आपकी स्किन पे ऊपर कोई भी अगर पिगमेंटेशन हो गया, कोई डार्क स्पॉट हो गया, कोई पिंपल्स हो गया तो ये उसको रिड्यूस करेगा। इवन अगर आपकी स्किन में अनइवन स्किन टोन हो गई, जैसे कहीं स्किन पे पैचेस आ रहे हैं, ब्लैक पैचेस, वाइट पैचेस, ऐसे इस टाइप में पैचेस आने से आपकी स्किन है वो अनइवन हो गई, तो गाइस ये इवन स्किन टोन प्रोड्यूस करेगा। एंड साथ ही साथ गाइस ये एक्ने रिमूव भी करेगा, आपकी स्किन के अंदर टैन है उसको भी रिमूव करेगा।
एंड गाइस साथ ही ये स्किन में स्किन को बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट करेगा। दैट मींस ये आपकी स्किन के अंदर जितनी भी डेड लेयर होती है, आपकी स्किन के ऊपर की जो लेयर होती है उसमें जो डेड लेयर उसको रिमूव करेगा। एंड गाइस ये क्या करेगा, आपकी स्किन के ऊपर जितनी भी डेड लेयर उसको रिमूव करेगा और एक नई लेयर है वो आपकी स्किन के ऊपर आएगी। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे बेस्ट जो इसका मेरे को लगा वो है कि ये नो साइड इफेक्ट, दैट मींस इसमें कोई भी ऐसे इंग्रेडिएंट नहीं यूज किए गए जो कि आपकी स्किन के ऊपर साइड इफेक्ट लेके आएंगे। तो गाइस इसमें कोई ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं कि इसको किसे यूज करना चाहिए, बॉयज भी यूज कर सकते हैं, गर्ल्स भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि गाइस आज के टाइम में सबको अपनी स्किन है वो हेल्दी चाहिए, स्किन का लुक अच्छा चाहिए एंड स्किन थोड़ी सी वाइट चाहिए। तो गाइस नेक्स्ट मैं इसकी बात करता हूँ प्राइसिंग वाइज। तो गाइस अगर मैं प्राइस की बात करता हूँ तो मुझे फ्लिपकार्ट के थ्रू ये 300 रुपये की पड़ी है। अगर गाइस आपको इससे कम कहीं मिलती है तो गाइस आप मेरे को कमेंट में लिंक जरूर डालना कि मैं भी जाके चेक करूँ और मैं भी वहाँ से बाय कर सकूँ। सो ओके गाइस अगर मैं इसके यूजेस की बात करता हूँ आपको कैसे यूज करना है, तो गाइस ये सिर्फ फेस वाइटनिंग सोप नहीं है, फुल बॉडी वाइटनिंग सोप है। दैट मींस आपको जब आप बात करने जाते हो, आप नहाने जाते हो, तो गाइस आपको ये पूरी बॉडी के ऊपर लगानी होती है और आपकी फुल बॉडी है वो वाइटनिंग होगी। सो गाइस अगर आप डेली यूज में इसको यूज कर रहे हैं, नहाने में यूज कर रहे हैं, दैट मींस गाइस ये थोड़ी सी छोटी सोप पड़ जाएगी आप, लेकिन फिर भी आपकी ये 10-15 दिन आसानी से चल जाएगी अगर आप इसकी फुल बॉडी वाइटनिंग के लिए इसको यूज कर रहे हैं। एंड गाइस अगर आप इसको सिर्फ फेस के ऊपर यूज करेंगे तो गाइस आई थिंक ये आपके 1-2 महीने तक आराम से चल जाएगी। तो गाइस अगर मैं इसके रिजल्ट की बात करता हूँ, गाइस इसके ऊपर लिखा गया है, इवन इसके जो क्रीम आता है इसके अलग से क्रीम भी आता है जिसको आप यूज करके आप 10 दिन के अंदर स्किन वाइटनिंग है वो ले सकते हैं। लेकिन गाइस अगर मेरा ओपिनियन दूं, अगर मैं मेरा ऑनेस्टी हूं, तो गाइस मैं इसके इंग्रेडिएंट वाइज अगर मैं देखूं तो इसके अंदर फोजिक एसिड एंड अदर सारे जितने भी इंग्रेडिएंट यूज किए गए वो सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं। एंड गाइस आयुर्वेदिक रिजल्ट के साथ में आपको कभी भी 10 दिन के अंदर रिजल्ट नहीं मिल सकता है, क्योंकि गाइस आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट होते हैं उनका जो इफेक्ट टाइम होता है वो बहुत लॉन्ग होता है। इसलिए गाइस अगर मेरा ओपिनियन दो तो गाइस आपको ये जो सोप है पर्टिकुलरली आपको ये सोप 3 महीने तक यूज करनी पड़ेगी। एंड गाइस 3 महीने के अंदर आपको बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा, बहुत ही सेफ रिजल्ट मिलेगा, जैसे कि हाइड्रोक्विन एंड अदर प्रोडक्ट है उनसे मिलता है, उससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एंड गाइस वो जो रिजल्ट मिलेगा वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगा, उसमें कोई भी आपकी स्किन के ऊपर साइड इफेक्ट नहीं होंगे। सो गाइस ये इसका बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपकी स्किन के ऊपर साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो गाइस अगर मेरी मानो तो ये साबुन बहुत अच्छी, आप एक बार इसको ट्राई कीजिए। गाइस अगर 3 महीने लगते हैं कोई दिक्कत नहीं, 3 महीने से पहले आपको कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो कि अगर आप 3 महीने से पहले आपकी स्किन को व्हाइट कर देता है। और अगर गाइस कोई प्रोडक्ट आपको कहता है कि वो 10 दिन के अंदर आपको गोरा कर देगा, 1 मंथ के अंदर आपकी स्किन को व्हाइट कर देगा, दैट मींस गाइस वो प्रोडक्ट फेक है या उसके अंदर बहुत ज्यादा हार्श केमिकल डाले गए जो कि आपकी स्किन को व्हाइट तो कर देंगे बट गाइस आपकी स्किन के अंदर बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट है वो प्रोड्यूस करेंगे। सो गाइस ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, एक बार ट्राई कीजिए। सो गाइस अब बारी आती है हमारी इंपॉर्टेंट टिप्स की। जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया था कि लास्ट में मैं आपको बहुत अच्छे टिप्स दूंगा इस साबुन के रिगार्डिंग, जिनको फॉलो करके आप इस साबुन के मैक्सिमम बेनिफिट है वो यूज कर सकते हैं। तो गाइस टिप नंबर फर्स्ट आता है, तो गाइस जैसा कि आपको पता है कोजिक एसिड बहुत ही अच्छा स्किन वाइटनिंग प्रोडक्ट है। तो गाइस इसका हमें क्या करना है कि साबुन में जो कोजिक एसिड है उसको अपनी स्किन के अंदर इसका एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ाना है। तो गाइस जब आप ये साबुन यूज करते हो उससे पहले आप क्या करो, कोई भी माइल्ड स्क्रब होता है वो अपनी स्किन के ऊपर लगाओ, आप अपनी स्किन को थोड़ा सा एक्सफोलिएट करो, स्क्रबिंग करो, उसके बाद इस साबुन को अप्लाई करो, तो गाइस इसका बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड गाइस जो सेकंड टिप आता है कि साबुन के ऊपर लिखा गया है कि आपकी स्किन के ऊपर की जो डेड लेयर है उसको क्या करता है, रिमूव करता है। दैट मींस गाइस ये आपकी स्किन के ऊपर की डेड लेयर को रिमूव करेगा और नई स्किन है वो प्रोड्यूस करेगा। तो गाइस नई स्किन को प्रोड्यूस होती है तो गाइस उससे अपन को क्या करना पड़ता है, सन रे से काफी ज्यादा बचाना पड़ता है। तो गाइस आप ये साबुन लगाने के बाद सन गार्ड बिल्कुल एंड बिल्कुल ज्यादा अप्लाई कीजिए। तो गाइस मेरे कहने का मतलब है कि ये साबुन लगाने के बाद आपको अपनी स्किन को सन से बहुत ज्यादा एक्सपोज नहीं करना है, सन गार्ड अप्लाई कीजिए या अपने माउथ को किसी भी क्लीन क्लोथ से अच्छे से कवर करके फिर ही घर से बाहर निकलिए। So guys, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आप फॉलो करके इस साबुन के बहुत अच्छे से और मैक्सिमम बेनिफिट है वो उठा सकते हैं। So guys, कैसा लगा आपको ये वीडियो मेरे को जरूर बताइए एंड गाइस मेरे चैनल को जरूर एंड जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। So guys, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।